कोरोना मरीजों के लिए 2-डीऑक्सीडीग्लूकोज दवा की पहली खेप आज जारी की गई। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी। राज्य में कल करीब 4,800 नए मरीजों की हुई पहचान। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से लॉकडाउन में दी गई छूट का इस्तेमाल सावधानी के साथ करने की अपील की। और राज्यपाल ने आदिवासी समाज के शिक्षित युवाओं से कोरोना संक्रमण से बचाव और टीकाकरण के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। कोरोना मरीजों के लिए 2-डीऑक्सीडीग्लूकोज दवा की पहली खेप आज जारी की गई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में ये दवा जारी की। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड रोगी दवा 2-डीऑक्सीडीग्लूकोज विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा डॉक्टर रेड्डीज लैब के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने में ये दवा काफी हद तक प्रभावी है। तो ये किस प्रकार से सेलेक्टिवली दवा पहुंचेगी, वहां पर वायरस के सिंथेसिस को कैसे ये रोक पाएगी, वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन को कैसे जो है रोक पाएगी, और एक प्रकार से पॉजिटिवली जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं, जो हमारा ठीक होने का समय है उसको कम कर पाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर पाएगी। तो मुझे आज के इस अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए भगवान से ये भी प्रार्थना करनी है कि ये जिस प्रकार का इसके इनिशियल रिजल्ट हमको ट्रायल्स में दिखाई दिए हैं, ये आने वाले समय के अंदर खाली भारत के लिए नहीं, अभी तो पूरे संसार के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित इस दवा को हाल ही में भारतीय महानियंत्रक ने आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। दूसरी ओर देश में अब कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 2,81,000 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं स्वस्थ होने की दर भी लगभग 84% तक पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 3,78,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण की दर में बीते एक सप्ताह से लगातार कमी आ रही है। अब संक्रमण दर 9% पहुंच चुकी है। कल रात तक राज्य में 4,888 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कल कोरोना संक्रमण से 144 लोगों की मौत हुई है। इस बीच प्रदेश में कोरोना के लक्षणों वाले 13,78,000 से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयों की किट वितरित की गई है। इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ सहित देश में टीकाकरण अभियान भी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान 6,91,000 टीके लगाए गए। अभियान के तीसरे चरण में 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के 673 टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन लगाई जा रही है। कल तक राज्य में 18 से 44 वर्ष आयु समूह के 4,75,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके थे। दुर्ग के जिला और सत्र न्यायालय में भी न्यायाधीश और कर्मचारियों के साथ ही उनके परिजनों को भी टीका लगाने के लिए शिविर लगाया गया। जिला और सत्र न्यायालय परिसर में आयोजित इस शिविर में करीब 250 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मोहन सिंह कोराम ने लोगों से इस महामारी से बचाव के लिए टीका लगवाने की अपील की। और सेकंड फेज में भी लगातार काम चलता रहा है और इस तरह न्यायालयीन कर्मचारी और साथ ही साथ न्यायाधीश भी लगातार
संक्रमण के खतरे में रहे हैं तो उससे बचने के लिए आज टीकाकरण का कार्यक्रम यहाँ आयोजित है और वैक्सीनेशन के लिए सभी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, सभी को समझाई दी जा रही है। किसी प्रकार की भ्रांतियाँ हैं और अफवाह हैं उनसे दूर रहने के लिए सबको कहा गया है। गौरतलब है कि देश में अब तक 18 करोड़ 29 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच राजधानी रायपुर सहित राज्य के कई अन्य शहरों में आज से लॉकडाउन के नियमों में कुछ छूट देते हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से लॉकडाउन में मिली छूट का लाभ सावधानी के साथ लेने की अपील की है। डॉक्टर श्री बघेल ने प्रदेशवासियों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित किया गया है और हर हाल में तीसरी लहर की आशंका को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की दर में कमी देखकर लॉकडाउन के प्रतिबंधों में थोड़ी छूट दी जा रही है, लेकिन लोग मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। रायपुर में आज से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। 31 मई तक लागू लॉकडाउन के दौरान शहर में मोबाइल सहित कुछ अन्य दुकानों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। वहीं लोक सेवा केंद्र, किराना दुकानें, वाहन मरम्मत के कार्य और मिठाई तथा बेकरी की दुकानें भी शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। रायपुर नगर निगम के आयुक्त पुलक भट्टाचार्य ने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने के संबंध में व्यवसायियों से चर्चा की जा रही है। बढ़ा दिया गया है 31 मई तक के लिए, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं। उस रिलैक्सेशन में मैक्सिमम दुकानें जो हैं सुबह अपने निर्धारित समय में खुलेंगी और शाम को बंद होंगी। उसके लिए अभी ये व्यवस्था की जा रही है कि जो स्थापित बाजार हैं या जो मेन सड़कें जहां पर रायपुर में मुख्य तौर पर भीड़ रहती है उनको व्यापारी संघों से अभी भी बात जारी है। उसमें आदेश में ये ऑप्शन दिया गया है कि या तो ऑड इवन होगा या फिर लेफ्ट राइट की होगा, इस पर भी बात चल रहा है और अभी थोड़ी देर में निर्णय हो जाएगा कि किस पद्धति से खुलेगी। परंतु ये पक्का है कि आधी दुकानें एक दिन में खुलेंगी, यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आधी दुकानें और मंगल, गुरु और शनि को आधी दुकानें खुलेंगी। वो दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में भी आज से लॉकडाउन में छूट देते हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की शुरुआत की गई है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिवासी समाज के कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए समाज के शिक्षित वर्ग से आगे आने की अपील की है। आदिवासी सेवा मंडल भोपाल द्वारा कोविड-19 पर आयोजित वर्चुअल कार्यशाला में सुश्री उइके शामिल हुई। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में आदिवासी समाज से जागरूक और सक्षम लोग आगे आकर मदद करें। राज्यपाल ने कहा कि यही सही समय है जब आदिवासियों तक रोजगार और इलाज की सुविधा पहुंचाई जाए। सुश्री उइके ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पर नियंत्रण के लिए लक्षण दिखते ही जांच और इलाज शुरू करना जरूरी है। उन्होंने समाज के प्रमुख लोगों से टीकाकरण के प्रति भी लोगों को जागरूक करने को कहा। कोरोना संक्रमण के इस दौर में समाज का हर वर्ग अपनी अपनी तरह से भागीदारी निभाने में जुटा हुआ है। ऐसे ही एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं बिलासपुर के रहने वाले अभिजीत मित्रा और उनकी टीम।
कोरोना से मौत होने के कई मामलों में मृतक के निकट के परिजन और अन्य लोग भी दाह संस्कार और मुखाग्नि देने में झिझकते हैं। ऐसे में अभिजीत मित्रा और उनकी टीम ने शहर में अब तक कोरोना संक्रमण से मृत हुए 65 से अधिक लोगों का दाह संस्कार कर समाज में एक मिसाल कायम की है। श्री मित्रा ने बताया कि दाह संस्कार के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाता है। हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से हम लोग की कोशिश यही रहती है कि किसी मृतक परिवार के परिजनों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और यहाँ पर हालांकि तकलीफ तो रहता ही है, एक तो परिजन खोते हैं, पैसा खोते हैं, और यहाँ आने के बाद जो पीड़ा उनको देखी है हम लोगों ने वो असहनीय देखी है, तो हम लोग से रहा नहीं गया। फिर हम लोग बोले कि परिजनों को हेल्प किया जाए किसी तरह। यहाँ आते हैं, लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, पंडित की व्यवस्था नहीं है, तो किसी तरह करके हम लोग यहाँ लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था कर देते थे, पंडित की व्यवस्था करवा देते, पूजन सामग्री। फिर बाद में महापौर जी ने यहाँ लकड़ी निःशुल्क कर दिया। जितना भी यहाँ जल रहे हैं सारे मृतक परिवार को किसी प्रकार तकलीफ ना हो, उनको किसी प्रकार की थोड़ी बहुत भी सांत्वना मिले, ये सोचकर महापौर जी ने लकड़ी, राल और अन्य जो पूजन सामग्री निःशुल्क कर दिया है। श्री मित्रा के इस पुनीत कार्य में पूर्व महापौर रामशरण यादव ने भी सहयोग किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जीवनदायिनी अरपा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिलासपुर में अरपा उत्थान और तट संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 93,70,00,000 रुपए की इस योजना से अरपा नदी के दोनों किनारों पर सड़क बनाई जाएगी। इसमें इंदिरा सेतु से शनिचरी रपटा तक 1.5 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक मार्ग बनने से शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस परियोजना के तहत अरपा नदी में सिल्ट को हटाया जाएगा, साथ ही पानी को दूषित होने से बचाने के लिए गंदे पानी के उपचार की व्यवस्था की जाएगी। महासमुंद के शहरी इलाके में एक भालू के आतंक से लोग दहशत में हैं। अंतिम समाचार लिखे जाने तक वन अमला इस भालू को पकड़ने की कोशिश में जुटा हुआ था। वन विभाग के अनुसार शहर में आने के बाद ये भालू बीटीआई क्षेत्र के कुएं में गिर गया, जहां से इसे निकाला गया, लेकिन इसके बाद एक बार फिर ये भालू भाग निकला। इस दौरान इस भालू ने एक युवक को घायल भी किया। महासमुंद के वन परिक्षेत्र अधिकारी सालिक डड़सेना ने बताया कि वनकर्मी भालू की गतिविधियों पर निगरानी रखे हुए हैं और जल्द ही इसे पकड़ लिया जाएगा। रात से सुभाष नगर में भालू के आने की सूचना मिला था। हमारे कर्मचारी जो है रात से पूरे उस पर निगाह रखे हुए थे। अभी सुबह जब वो भालू जो है कुएं में गिर गया, कुआं में जगत नहीं था, बाउंड्री नहीं था, और कुआं में भालू के गिरने के बाद हम लोगों के हमारे अमला के प्रयास से जो है मौके पर मैं स्वतः उपस्थित रहकर सीढ़ी लगा कर भालू को निकाले हैं। बहुत आसानी से भालू जो है ऊपर चढ़ गया, अभी रिहायशी क्षेत्र में आ चुका है भालू। हमारा पूरा मूवमेंट जो है भालू के पीछे पीछे है। हम लोग चाह रहे हैं किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, यही हम लोगों का प्रयास। अभी तक वन अधिकारियों के अनुसार घटते जंगल और कटते पेड़ों की वजह से जंगली जानवर भोजन और पानी की कमी के कारण अक्सर शहरी क्षेत्रों में घुस आते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना मरीजों के लिए 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज दवा की पहली खेप आज जारी की गई। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी। राज्य में कल करीब 4,800 नए मरीजों की हुई पहचान। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से लॉकडाउन में दी गई छूट का इस्तेमाल सावधानी के साथ करने की अपील की। और राज्यपाल ने आदिवासी समाज के शिक्षित युवाओं से कोरोना संक्रमण से बचाव और टीकाकरण के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया।
कोरोना से बचाव के लिए मास्क सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।